रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे मंडीदीप। जनता का किया अभिवादन व साथ ही साथ सुरेश पचौरी को जिताने की जनता से अपील। राहुल गांधी को देखने जनता का उमड़ा जनसैलाब। भोजपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पचौरी को चुनाव में मिल सकता है चुनावी सभा का बड़ा फायदा। वह साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा जैन ने मंच से भारतीय जनता पार्टी पर प्रताड़ता के कई प्रकार के लगाए गंभीर आरोप। देखिए पूरी खबर न्यूज पर। जैसे मुझे कोई बीमारी हो, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से दूर हट जाना, मेरे लोगों से कंधे का इतना, मेरे लोगों से कहना कि तुम जिसके साथ आई हो ठीक नहीं, ऐसी पार्टी के साथ मुझे काम करना उचित था क्या? आप ही बताइए, मैं आप ही से पूछती हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे क्या? ऐसी पार्टी के साथ मुझे काम करना चाहिए? बंधुओं, आज मैं मानती हूँ कि मैं स्वार्थी हूँ, मुझे लोग कहते हैं स्वार्थी है, कुछ पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के में पूरे के पूरे लोगों पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ जो स्वार्थी लोग थे जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मेरे ऊपर अत्याचार किए, उन स्वार्थी लोगों को मैं आज जवाब देना चाहती हूँ। करके मैंने 7 सालों तक किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, एक शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मैं दमन और घुटन की जिंदगी से तंग आ चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि घुट घुट कर जीने से, घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि कहीं किसी घर में बैठ जाए या राजनीतिक दलों से संन्यास ले ले। राजा पानी अभ्यारण से विस्थापितों को राहत दिलाऊंगा। इसके अतिरिक्त भोजपुर इलाके की बेहतरी, भोजपुर इलाके की खुशहाली और भोजपुर में भाईचारा बना रहे, ये मेरा संकल्प मेरे नेता राहुल जी के सामने, इसलिए कि ये भोजपुर मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ के किसान को मोड़ा हूँ, खेत और खलिहान में मैं फला फुसा बड़ा हुआ हूँ। मैं किसान की हर समस्या जानता हूँ, नौजवान की समस्या जानता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, दीपक बाबरिया जी, कमलनाथ जी, मुमताज खान जी, विजय ढाकर जी, बद्री सिंह चौहान जी, उमेश पाल जी, पूर्णिमा जैन जी, सुरेश पचौरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हुआ और वहां कांग्रेस पार्टी की लहर आई और वही मध्य प्रदेश में होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाला है। साढ़े चार साल पहले नरेंद्र मोदी जी आया करते थे और हर भाषण में वायदा करते थे। नहीं, मैं आपको दिखाता हूं, आप देखो, अभी बताता हूं आपको। अब पहले होता था, नरेंद्र मोदी जी ऐसे भाषण में आते थे, कहते थे अच्छे दिन, और जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको, अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा सुनो, चौकीदार, 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 चौकीदार। तो ये कैसे हुआ? अच्छे दिन आने थे, मोदी जी ने हर भाषण में कहा अच्छे दिन आएंगे, और साढ़े चार साल में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करते,
टाइम चल रहा है यार केंद्र। एमएसपी की, किसानों की कर्जा माफी बात नहीं करते, और जब आप जनता से कहो चौकीदार, जनता कहती है, जब आप कहो चौकीदार, जनता कहती है ये। तो ये बहुत गहरा बदलाव है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पर जिन लोगों ने भरोसा किया था, युवाओं ने, जिनको कहा गया था 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार, किसानों ने जिनको कहा गया था कर्जा माफ होगा, सही दाम मिलेगा, बोनस मिलेगा, एमएसपी बढ़ाई जाएगी, और पूरे हिंदुस्तान को जिनको कहा गया था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिया जाए, और जनता ने भरोसा किया, 1 साल 2 साल 3 साल 3.5 साल 4 साल पे जनता ने कहा भैया झूठा है नरेंद्र मोदी, झूठा, झूठ बोलता है, और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सच्चाई नहीं निकलती है। ये देश के दिल में भावना है। अब जाते हैं, आप देखिए, कभी टेलीविजन पे देखिए, मोदी जी वायदे करते हैं और जनता बस ऐसे देखती है, कहते भैया आप मीटिंग कब खत्म होगी, चलो घर चलते हैं। मूड ये है क्योंकि भरोसा तोड़ा है। 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है नरेंद्र मोदी, कर्जा माफ किया है 3.5 लाख करोड़ रुपए। मतलब मनरेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। 10 मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की जेब में डाल दिया। मध्य प्रदेश के युवा कहता भैया चौकीदार तो एक ही होगा हिंदुस्तान में, अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का एक ही व्यक्ति चौकीदारी करेगा, वो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ये है सच्चाई। जो पैसा इन्होंने 15-20 लोगों को दिया है, वो पैसा हम मध्य प्रदेश के किसान को वापस देंगे, और हर खेत, हर किसान के खेत के पास, हर डिस्ट्रिक्ट में किसान के बिल्कुल खेत के पास कांग्रेस पार्टी फूड प्रोसेसिंग का एक कारखाना लगाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में किसान टमाटर उगाते हैं तो पास में टमाटर केचप का एक प्लांट फैक्ट्री, अगर सोयाबीन उगाया जाता है पास में सोयाबीन की तेल की फैक्ट्री, अगर आलू उगाया जाता है तो पास में आलू की चिप्स की फैक्ट्री, जो भी आप उगाते हो आपके खेत के बिल्कुल पास कांग्रेस पार्टी फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देगी। मध्य प्रदेश का किसान फल को, सब्जी को, अनाज को सीधा फैक्ट्री में ले जाएगा। आज आप मंडी में जाते हो, वहां आपको ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, कम दाम पे आपको बेचना पड़ता है, आने वाले कल में आप डायरेक्टली फैक्ट्री में जाओगे और आपको सही दाम मिलेगा, और उसी फैक्ट्री में आपके बेटे और बेटियों को रोजगार मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में जान फैला देंगे, और उसके बाद आज आप कर्नाटक जाते हो, पंजाब जाते हो, हरियाणा जाते हो रोजगार ढूंढने, मगर 5 साल बाद जब आप टूरिस्ट बन के जाओगे तो फिर आप वहां एक सवाल पूछना, देश को भोजन कौन खाना देता है, भोजन कौन देता है? 2 सेकंड में आपको जवाब मिलेगा, भैया पहले
हरियाणा और पंजाब देश को भोजन खिलाते थे, अब मध्य प्रदेश देश को भोजन खिलाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान के खेत के बिल्कुल पास कांग्रेस पार्टी ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जाल बिछा दिया है। मध्य प्रदेश को हम कृषि का, हिंदुस्तान के कृषि का सेंटर बनाना चाहते हैं। यहां पे जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, शिवराज चौहान जी की मीटिंग हो, मोदी जी की मीटिंग हो, आप उसमें आप पूछिए कि भैया आपने मेक इन इंडिया की बात की, आपने रोजगार देने की बात की, क्या ये जो फैक्ट्रियां थी ये मेक इन इंडिया नहीं थी? ये क्या था अगर मेक इन इंडिया नहीं था? इन फैक्ट्रियों को आपने मदद क्यों नहीं की? यहां के युवाओं को आपने मदद क्यों नहीं की? नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी को आपने पैसे दे दिया, यहां क्यों नहीं डाला? कांग्रेस पार्टी यहां की इंडस्ट्री को रिवाइव करेगी और यही आपके युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। आखिरी बात, मैं जानता हूं कि यहां पे अस्पताल की कमी है, जो यहां मजदूर काम करते हैं आपको ये मुश्किल होती है। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख दिया है, शिक्षा में और स्वास्थ्य में कांग्रेस पार्टी स्टेट का पैसा डालेगी, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल, एक के बाद एक हम हाई क्वालिटी के अस्पताल, हाई क्वालिटी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आपके लिए खोलेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, हम वहां एक नई योजना लाए, पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में, फ्री में सब दवाइयां दिलवाई। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसी योजना मध्य प्रदेश में चलाए कि गरीब से गरीब लोगों को मुफ्त में पूरे प्रदेश में दवाई मिले। तो हमारा लक्ष्य ये सुरेंद्र पटवार के विडंबना है और हमारे भोजपुर क्षेत्र के जनता का ये आज इतना, भोजपुर की जनता के इतने सही नसीब है कि आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार हमने देखा है, पहली बार हमारे इस भोजपुर क्षेत्र में मंडीजीत नगर में आए हुए हैं। ये सम्मानीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी के विधानसभा क्षेत्र में आज ये ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि जो हमारे नेता भी है, कार्य किए हैं उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का कार्य साथ जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ। हम लोगों की दिवाली जो अभी पूरे प्रदेश में हिंदुओं के लिए दिवाली शाम को रहेगी, क्योंकि उस दिन अगले शपथ लेंगे और भ्रष्टाचार निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भोजपुर की जनता भी पचौरी जी हजार चुनाव जीतेंगे, झुकेंगे मध्य प्रदेश के हम लोग बताएंगे फूल इस बार कांग्रेस पार्टी। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पहली बार हमारे मंडीदीप में आए हैं और वो सुरेश पचौरी जी जो क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी नहीं, वो उनकी जन्मभूमि भी है, वो यहाँ पे उनको लेके आए हैं। उनकी जनता अब कथनी और करनी में फर्क समझ चुकी है। जो मामा, जो सपनी मामा जो आज तक झूठे जो वायदे करते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, वो आज समझ चुकी है यहाँ की जनता। और जो घोटाले आज कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो रेत माफिया की तरह उनके पूरा परिवार रेत माफिया में फंसा हुआ है, ये सबको लेकर जनता आज आक्रोश में होकर उनके साथ में, पचौरी जी के साथ में खड़ी हो चुकी है और आज बहुत ताकत के साथ में जनता उनके साथ में है। और मैं पूर्ण बहुमत से
पूर्ण बहुमत से जहाँ पे पथौरी जी अच्छी ताकत से जीतने वाले हैं, और आज 20,000 से ऊपर जो पहले मात खाई थी उससे ऊपर बहुमत से आज पथौरी जी जीतेंगे। और एक ही बात कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता और भोजपुर की जनता और युवा ये निर्णय कर चुके हैं कि आपके बाद इच्छा उनके निवास का, उनके घर का, उनका आपस का बेटे को ही चुनाव जिताएंगे, चाहे किसी को भी लिया है, और मामा को यहाँ से विदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं भी आपको क्या स्थिति लग रही है जो यहाँ की रणनीतियाँ चल रही है? ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता सुरेश पचौरी को प्यार दे रही है, राहुल गांधी के हाथ मजबूत कर रही है, और माननीय मोदी जी को भी आखिरी नमस्कार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।